और बात अब राहुल गांधी की करेंगे, क्योंकि कैम्ब्रिज में वो लेक्चर देने गए थे अर्पिता, और इस लेक्चर के दौरान उन्होंने देश में भूचाल ला दिया है अपने बयानों के जरिए। राहुल ने दरअसल ये कहा कि देश में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, विपक्षी नेता निशाने पर हैं और उनकी जासूसी की जा रही है, यहां तक कि राहुल गांधी के फोन में पेगासस है, ये उन्होंने कहा। तो राहुल के बयान के बाद नेहा बीजेपी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। अनुराग ठाकुर ने राहुल से पूछा कि आखिर फोन में ऐसा क्या था जो फोन उन्होंने जमा नहीं कराया। ठाकुर ने सीधे कहा कि हार को राहुल पचा नहीं पा रहे हैं और विदेश जाकर देश को बदनाम कर रहे हैं। कल के नतीजे दिखाते हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ फिर एक बार हुआ है, और ये रोने धोने का काम राहुल गांधी जी अब विदेशी धरती पे फिर एक बार कर रहे हैं। नतीजे क्या आएंगे उनको पता था, और ये पेगासस कहीं और नहीं उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। दुनिया भर में मोदी जी के प्रति जो सम्मान बढ़ा है, जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है मोदी जी के नेतृत्व में, वो आज कोई और नहीं, दुनिया भर के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। राहुल जी किसी और की नहीं, कम से कम इटली के प्राइम मिनिस्टर उनके नेताओं की तो सुन लेते हैं। क्या कहा इटली के प्राइम मिनिस्टर ने? ये कहा कि दुनिया भर में मोदी जी को जितना प्यार मिलता है, जो एक लोकप्रिय नेता के रूप में वो उभरे हैं, आज वो एक मेजर लीडर, एक बड़े नेता के रूप में उनको स्वीकारा है। ये शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं कर पाई।